नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हैं हिलसा सर के गांधीनगर मोहल्ला में, जहां ज्वाइंट एक्शन नेटवर्क यानी जैन के सचिव हैं रामाकांत शर्मा सर। बता दें कि गर्मी की छुट्टियां अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, वैसे में सरकारी स्कूल के बच्चे एवं गैर सरकारी स्कूल के बच्चे क्या करें, सर इस पर प्रकाश डालेंगे। संतोष जी का बहुत ही सामयिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी अभी गर्मी की छुट्टी प्राइवेट निजी विद्यालय में हुआ है और सरकारी विद्यालय में जो है वो होने वाली है, तो ये छुट्टी का जो समय है ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में लगभग 18 महीने हमारे विद्यालय बंद रहा था और उसके बाद जो है वो विद्यालय खुला, तो सरकार के नियम मुताबिक जो है वो गर्मी की छुट्टी भी होनी चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। परंतु यह जो छुट्टी है वो हम लोगों के लिए और सारे शिक्षा जगत के लिए एक चुनौती का विषय है। एक तो कि विद्यालय बच्चों को हम लोग घर में किस तरह से कंट्रोल में रखें, बच्चों के साथ किस तरह सदव्यवहार करें, हम बच्चों को जो है उनके जो शैक्षणिक गतिविधि है, सीखने की जो स्तर है, हमारी सोच यह होना चाहिए कि वो जो है बरकरार रहे। हम घर पर जो है बच्चों के साथ में जो है पेंटिंग वगैरह का कार्यक्रमें, संगीत का कार्यक्रमें और कई जगह पर तो प्रथम संस्था के माध्यम से सरकार के द्वारा जो है समर कैंप भी लगाने वाली है, जन भी उसमें सहयोग करेगी। तो इस समय में जो भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हम अभिभावक और सभी शिक्षक प्रेमी से हम निवेदन करते हैं कि बच्चों को ये जो छुट्टी का समय है इसमें हमारे कम से कम 2 घंटे हम उनके लिए विशेष तौर पर शैक्षणिक सत्र का घर पर संचालन करें और जो विषय उनके पीछे छूट गया है, हम देख रहे हैं विद्यालयों में कि बच्चे बिहार का जो बच्चे हैं, नालंदा का जो बच्चे हैं, वो गणित वगैरह तो बना लेते हैं लेकिन 5वीं के बच्चे जो है वो हिंदी का किताब भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो इनको किताब पढ़ने वाले के और हिंदी लिखने और हिंदी पढ़ने, अंग्रेजी लिखने और अंग्रेजी पढ़ने की जो समझ है वो ये अभ्यास से होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ हम लोग बैठें और उनके साथ में शैक्षणिक गतिविधि को हम लोग जारी रखें। और दूसरी बात है कि बच्चे जब बाहर में घूमेंगे तो वो जो है गर्मी के मौसम में वो डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, अधिक पसीना उनको बहेगा और बच्चे जो बीमार होंगे, बहुत भारी संख्या में बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। तो बच्चों में क्या करना चाहिए सर उन लोगों को? तो ऐसे में बच्चों को एक तो है कि उनको जो है घर में रखना चाहिए, उनको ज़्यादा गर्म हवा का उनके ऊपर लू का असर ना हो, ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने में भी जो है शाकाहारी भोजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे करें। अभी जो है खीरा प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तरबूज प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, आम और बेल का शरबत जो बच्चों के लिए है घर पर हम लोग बना करके उनको कोल्ड ड्रिंक के रूप में हम लोग उनको दे सकते हैं। जो बाहर का जो कोल्ड ड्रिंक है उस पर हम लोग थोड़ा वर्जित करें, घर में जो है उनको शीतल पेय पदार्थ बना करके और बच्चों को जो है सुबह शाम हम दें। उनके लिए केला और जो मौसमी फल जो भी है, तरबूज वगैरह जो है प्रचुर मात्रा में दें, जिससे उनके शारीरिक जो गर्मी की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है, पसीने बहता है और जिससे उनके शरीर में खून की कमी होती है, वो खून का कमी नहीं हो और बच्चे तंदुरुस्ती महसूस करें। तो इसलिए बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लगन का दौर फिर शुरू होने वाला है और उसमें बच्चे हमारे बाहर न जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। और दूसरा चीज़ है कि वो डालडा और जो भी बाजार का जो सामान होता है उसमें घर पर भी और ये बाहर में जा कर के वो जो पानी फल और ये दूसरे जो चाउमीन वगैरह खाते हैं उससे भी बच्चों को बहुत ही सेहत पर उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए घर में बना हुआ ताज़ा खाना हम खिलाने का प्रयास करें।